हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थ्री का चैप्टर नंबर 9, हाउ मेनी टाइम। उसकी जो है वर्कशीट हम करेंगे। ऑलरेडी हमने जो बहुत सारे क्वेश्चंस उनके किए थे, जो मल्टीप्लिकेशन या जो भी टाइप के आपके बुक में है या किसी टाइप के, उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही उसमें और कौन से टाइप के रहेंगे, आपके वर्ड प्रॉब्लम्स भी उसमें रह सकते हैं। सो उसमें आपके क्या क्वेश्चंस रहेंगे या किस टाइप का आपका क्वेश्चन आ सकता है, वो आज हम करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, आदित्य वॉज मेकिंग सैंडविचेस, ही हैड फोर फ्रेंड्स कमिंग एंड ही हैड मेड थ्री सैंडविचेस फॉर ईच वन ऑफ देम। सो वो सैंडविचेस बना रहे थे, सो हर एक के लिए उसने तीन बनाई है एंड देर आर टोटल फोर फ्रेंड्स। तो टोटल जो उसने कितनी बनाई होगी, सो कितनी हो जाएंगे टोटल, 12। नाउ नेक्स्ट है, मोना प्रिपेयर्ड कलर्ड कपकेक्स, सो उसने कपकेक्स बनाए हैं। इफ़ सी हैड सेवन बॉक्सेस ऑफ कपकेक, उसके पास टोटल कितने, सेवन बॉक्सेस हैं। इफ़ सिक्स कपकेक वर इन ईच बॉक्स, ठीक है, इस तरह से देखो क्या है, सेवन बॉक्सेस हैं और एक बॉक्स में जो है सिक्स कपकेक्स हैं, तो टोटल कितने होंगे, यानी कि सेवन मल्टीप्लाई बाय सिक्स, सो इट विल बी 42। जॉन नीड्स अ रोप, जॉन को एक रोप चाहिए। इफ़ ही हैड फाइव पीसेज ऑफ रोप, तो फाइव पीसेज हैं, ईच सिक्स फीट लॉन्ग एंड ही टाइज देम ऑल टुगेदर। अब देखो क्या है उसके पास, जैसे ये रोप है, ठीक है, उसके पास इस तरह के फाइव पीसेज हैं और एक पीस क्या है, सिक्स फीट जो उसकी लेंथ है। तो आपको बताना है कि टोटल जब वो उनको ऐड कर देगा फाइव के फाइव पीसेज को, टोटल कितना हो जाएगा, सो सिक्स मल्टीप्लाई बाय फाइव, इट विल बी 30 feet। Now children of a class are going on a picnic if each bus has 9 rows of seats, ठीक है, एक हर बस में कितना है, 9 rows हैं सीट्स के लिए। एंड ईच रो ऑफ सीट कैन अकोमोडेट 4 children, और एक रो में जो है कितने बच्चे बैठ सकते हैं, 4। सो हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन ईच बस अकोमोडेट, यानी कि हर एक बस में कितने बच्चे बैठेंगे। देखो एक रो में आपके 4 स्टूडेंट या चिल्ड्रन बैठ सकते हैं, टोटल 9 रोज है, तो 9 में कितने होंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना होगा, 36। अनीता बेक्ड सम कुकीज, अनीता ने कुछ कुकी बेक की हैं। इफ सी बेक्ड 5 pans ऑफ कुकीज, अगर उसने जो है 5 pan जो है केक कुकीज बेक की हैं एंड देर आर 8 cookies पर पैन। तो देखो जैसे ये पैन है, इसके अंदर वो एक बार में 5 cookies जो है बेक कर सकते हैं, और टोटल जो है उसने 8 times वो किया है, तो कितना हो जाएगा टोटल, ठीक है, 8 times या 8 pans जो उसने कुकीज बेक की हैं, सो टोटल कितना हो जाएगा, 5 multiply 8 is 40। मेगा हैज़ अ पार्टी इन हर हाउस, मेगा के घर में एक पार्टी है। सी हैज़ 8 tables एंड ईच टेबल हैज 7 chairs, तो टोटल 8 tables हैं और एक टेबल के लिए 7 chairs हैं। तो 1 में अगर आपकी 7 chairs हैं, तो 8 tables के लिए कितनी चेयर्स चाहिएगी, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना रहेगा, 56। उसके बाद इस तरह क्वेश्चन रह सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसका मतलब है, राइट 3 ways टू मल्टीप्लाई अ नंबर, यानी कि कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने से आपको ये जो सेंटर में नंबर दिया वो आंसर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 3s are एंड 9 5s are and 4 no 5 9s are 3 2s are sorry 3 4s are 2 6s are and 12 1s are। यानी कि आपको बताना कि कौन से दो नंबर ऐसे हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने से आपको ये आंसर मिल सकता है। जैसे कि 51 है, सो देखो अब ऐसे हमें नहीं पता चलेगा, तो इसके लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको टेबल आने चाहिए। अगर टेबल नहीं आएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। सो सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, एक तो वही नंबर हो जाएगा जब उसकी आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके, देन 17 multiply 3 51 हो गया, और दूसरा क्या हो गया, 3 multiply 17, इनका मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, जो नंबर आगे था उसको पीछे लिख दिया। 26 है, 13 2 into multiply 13, सो एक तो ये हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, सेम नंबर उसकी मल्टीप्लाई 1 से। सो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसमें जैसे हम कोई 64 कर लेते हैं, सो 64 8 8s are 64 and 2 32s are 64 and 32 2s are 64।
सो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। और इसमें क्या है, ये आपका टेबल है, बीच में आपको एक नंबर दिया 7 की मल्टीप्लाई 1 से 7, 7 की मल्टीप्लाई 2 से 14, 3 से 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 एंड 70। सो इसी तरह से आपको हर जगह पे क्वेश्चन करने हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो अब यहाँ पे किसका टेबल लिखेंगे हम, 9 का, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 36, 54, 63, 72, 81 एंड 90। सो इस तरह से जो है आपको ये वाला पूरा करना है। उसके बाद में फिर से वर्ड प्रॉब्लम्स है जो हमने ऑलरेडी कर लिया था। अब देखो ये वाला पार्ट जो है इसमें भी कुछ क्वेश्चंस है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पहले ये काउंट करने हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। अब ये काउंट करने के बाद हमें जो है इनकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गया, तो अब ये भी करेंगे 1, 2, 3, 4 और फिर इनकी करनी है मल्टीप्लाई 20। सेम यहाँ पर 1, 2, 3 कोई भी पहले आप काउंट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जो हॉरिजॉन्टल है या जो वर्टिकल है वही पहले, जो आपका मन करे वो वाली पहले काउंट करो, वो नंबर पहले लिखो, देन जो दूसरी बची है उसको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5 एंड मल्टीप्लाई करके जस्ट आंसर लिख दो, 1, 2, 3, 4 एंड इधर भी 1, 2, 3, 4, 16। सो यहाँ पर है 2, 1, 2, 3, 4, 5, कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना हो गया 18। 1, 2, 3, 1, 2 नाउ 1, 2, 3 एंड 3, 9 सो 2 एंड 2, 4 3 एंड 4, 12 एंड 4 एंड 4, 16 3 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 15 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 3, 18 मल्टीप्लाई करना जस्ट आपको नंबर्स को, देन 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 25 उसके बाद आता है आपका ये। अब ये क्या होता है, इसमें आपको जो है क्या करना होता है, इनको थोड़ा सा एक्सपेंड करना होता है। एक्सपेंड कैसे करोगे, जैसे ये क्या आपका 52, तो 50 को अलग करो और 2 को अलग करो और ये 5 जो है उसको बिल्कुल अलग। अब क्या करेंगे, 50 और ये वाला नंबर, देन 2 अलग से एंड जिस नंबर से अलग, जो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करें, जैसे 5 था तो उसको अलग किया, देन इन दोनों की मल्टीप्लाई 250, इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 एंड देन दोनों को ऐड करना है। अब ये कितना है 63, सो 63, 7 अब 60 की मल्टीप्लाई 7 से, 3 की मल्टीप्लाई 7 से, सो 420 एंड 21 आंसर कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 441। 80 एंड 4 मल्टीप्लाई 5 से, सो 80 की पहले 5 से मल्टीप्लाई एंड 4 की 5 से, 8 5 ज़ा 40 एंड 20 आंसर कितना होगा 420। 34, सो 30 एंड 4 और मल्टीप्लाई किससे करनी है 8 से, सो पहले 30 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे और फिर 4 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, देन 240 एंड 32 अब इनको करना है ऐड, सो 272। 26, 26, 5 सो 20 की मल्टीप्लाई 5 से एंड देन 6 की मल्टीप्लाई 5 से, 100 एंड प्लस 30 आंसर विल बी 130। 60 एंड 8 मल्टीप्लाई 6 से, तो पहले 60 की मल्टीप्लाई 6 से देन 8 की मल्टीप्लाई 6 से, 360 एंड 48 सो आंसर कितना रहेगा 0, 408 आपका आंसर यहां पर रहेगा। सेम चीज़ आपको यहां पर करनी है। अब यहां पर क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहां पर ये आपका रहेगा। अब यहाँ पर क्या है 42, सो 40 एंड 2 अब इसको भी अलग करना है 10, 2 ओके। सो 12 था ना, 12 में 10 को अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया। अब क्या करना है, पहले 40 की मल्टीप्लाई इससे भी करो
और इससे भी करो, ठीक है। पहले 40 की मल्टीप्लाई मैंने 10 से भी कर दी और 40 की मल्टीप्लाई 2 से भी कर दी। अब क्या हो गया, मेरा 2 बचा है, सो 2 की मल्टीप्लाई मैं पहले 10 से करूँगी एंड देन 2 की मल्टीप्लाई 2 से भी करूँगी। यानी कि हर एक नंबर की हर एक दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद आंसर लिखेंगे, 400 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 80, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया 20 और इन दोनों की किया 4, तो ये हो गया 480। पहले उन दोनों को ऐड किया और इनको ऐड किया तो कहाँ कितना हो जाएगा आपका 24। अब क्या करना है, इन दोनों को कर देना है ऐड, 4, 0 एंड 5। ओके, सो अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है, 14, सो 10 एंड 4 14 24 20 एंड 4 24। अब क्या करेंगे, पहले 10 की मल्टीप्लाई 20 से और 10 की मल्टीप्लाई 4 से, सो 10 की मल्टीप्लाई 20 और 10 की मल्टीप्लाई 4। उसके बाद में 4 की मल्टीप्लाई 20 और 4 की मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 20 और 4 मल्टीप्लाई 4, सो इनको करेंगे 240। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 80 एंड 16। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 240 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 एंड 9 96 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करके आपको अपना आंसर यहाँ पर लिखना है, 6 3 एंड 3 336। सो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है आपका बॉक्स वाला ग्रेड मल्टीप्लिकेशन। सो ये कैसे होता है, इसमें देखो क्या होता है, आपको चेक करना है, जैसे ये नंबर आपका, ठीक है, ये आपका नंबर है, आपको ये नंबर और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आप कौन सा आंसर लिखोगे, ये नंबर है और यहाँ पर क्या है 7, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखनी है 35। अब ये नंबर और यहाँ पर क्या है 5, तो 20। इसमें जितने भी नंबर होंगे, यहाँ पर आपके जितने भी नंबर होंगे उसमें क्या आएगा आपका 5 से मल्टीप्लाई करनी है। 8 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे देन 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। अब नेक्स्ट आ गया हमारा 7। अब इसमें जितने भी मल्टीप्लिकेशन होंगे, ये पहले इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर, इन सब की। सो मल्टीप्लाई किससे होगी, 7 से, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 28, 7 8 सॉरी 4 ज़ा 28 एंड 7 5 8 ज़ा 56 एंड 7 2 ज़ा 14। अब 2 की मल्टीप्लाई इन सब से करनी है, 2 7 2 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4। अब 6 की मल्टीप्लाई सबसे 42 24 एंड 48 एंड 12। सो इस तरह से आपको करना है, जो भी नंबर आपको दिया जाए जस्ट आपको देखना है कि वहाँ उस कॉलम में और उस रो में कौन सी चीज़ आ रही है और उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, जैसे अब यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर ये जितने नंबर उन सबकी मल्टीप्लाई किससे होगी, 6 से, यहाँ पर 3 से, फिर 8 से, फिर 7 से। ओके, सो इसको और करके देख लेते हैं, 18 देन 6 7 ज़ा 42 देन 24 एंड 54। अब 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 9 ज़ा 27। नाउ 8 से मल्टीप्लाई इन सब की, 8 3 ज़ा 24, 8 7 ज़ा 56 एंड 8 4 ज़ा 32 एंड 8 9 ज़ा 72। नाउ 7 की मल्टीप्लाई 21, 7 की मल्टीप्लाई 7 से 49, 7 की मल्टीप्लाई 4 से 28 एंड 7 की मल्टीप्लाई 9 से 63। सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। सो ये थी आपकी वर्कशीट हाउ मेनी टाइम्स की। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।